शहर शहर लॉकडाउन का साया। दिल्ली में बढ़ेगी कर्फ्यू की मियाद। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कड़ा पहरा। लॉकडाउन का वीकेंड तो खत्म होने वाला है, लेकिन कोरोना संकट खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में शहर शहर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां बढ़ने लगी हैं, तो वहीं पुलिस अब लॉकडाउन तोड़ने वालों से सख्ती से निपटने लगी है। एमपी से लेकर कर्नाटक तक कर्फ्यू के दौरान कड़ा पहरा दिखा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का डंडा चला और सजा भी दी गई। बिना वजह सड़क पर घूमने वाले युवाओं से पुलिस ने उठक बैठक कराई और हिदायत देकर छोड़ा। एक तरफ लोग लॉकडाउन तोड़ने से बाज नहीं आ रहे, तो वहीं दिल्ली में भले ही आज लॉकडाउन का आखिरी दिन हो, लेकिन व्यापारियों ने सेल्फ कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है और 2 मई तक लॉकडाउन में रहने का फैसला किया है। दिल्ली में जिस तेजी से कोरोना का संकट बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सेल्फ कर्फ्यू बेहद जरूरी है। खबर यह भी है कि दिल्ली सरकार 1 हफ्ते के कर्फ्यू के बाद आज एक बैठक करने वाली है, जिसमें लॉकडाउन लगाने या फिर कर्फ्यू की मियाद बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। उधर दिल्ली से सटे हरियाणा में भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगने लगी हैं। हरियाणा के 6 जिलों में धारा 144 लगाने का आदेश हो गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार में सख्त पहरा होगा, तो करनाल, सोनीपत, रोहतक में भी लगेगी पाबंदियां। दिल्ली और आसपास के राज्यों में जिस तेजी से कोरोना संकट बढ़ रहा है, उससे आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। लिहाजा हालात पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि सरकार लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाए या हम लोग सेल्फ कर्फ्यू का पालन कर राष्ट्र धर्म निभाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए क्या हालात हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से देश में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। और चलिए जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हितेन हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, जबकि तुषार हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। हितेन, पहले आप ही के पास आते हुए, दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन, कल सुबह खत्म ये लॉकडाउन हो जाएगा, क्या आपको लगता है जो चेन ब्रेक करने की कोशिश की गई है वो हुई है, और क्या ये लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर नहीं? देखिए, लॉकडाउन आगे बढ़ाने पर विचार चल रहा है। दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच आज एक बैठक होगी। उस बैठक में पूरे हफ्ते का जो है 6 दिन का रिव्यू लिया जाएगा, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि लॉकडाउन लगाना है या फिर सख्तियाँ बढ़ानी है या फिर धारा 144 लगानी है। हालांकि क्या होगा ये फैसला अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र साफ बता रहे हैं कि दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन और बढ़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से आपने प्रीति पूछा कि एक हफ्ते में, पिछले 6 दिन में क्या लॉकडाउन का कोई इफेक्ट दिखा या नहीं दिखा है, देखिए निश्चित तौर पर बात करें तो दुकानें बंद थी, सब कुछ बंद था, लेकिन सड़कों पर जो ट्रैफिक था, आवागमन जो हो रही थी वो नॉर्मल थी। यानी कि जो ब्रेक, चेन को ब्रेक करने की जो कोशिश की गई थी इस लॉकडाउन के जरिए, वो कहीं ना कहीं दिखती नजर नहीं आ रही थी। सड़कों पर लोग आसानी से घूम रहे थे। लौटेंगे आपके पास, इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश से। वो दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा है। यूपी में रिकॉर्ड 38,000 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। देखिए 24 घंटे में यहाँ 38,055 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। एक दिन में 223 लोगों की जान चली गई है और 24 घंटे में 23,000 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। ये राहत की बात है। तुषार का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए तुषार, आज दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाना है या नहीं, इसको लेकर फैसला हो सकता है। उत्तर प्रदेश से भी जो आंकड़े आ रहे हैं, 24 घंटे में 38,055 नए पॉजिटिव केसेस, बहुत भयावह मंजर उत्तर प्रदेश में भी है। अब क्या लगता है राज्य सरकार अगला कदम क्या उठा सकती है? देखिए लॉकडाउन की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन की बेहद जरूरत है, क्योंकि हर दिन नए रिकॉर्ड कोरोना खुद तोड़ रहा है और लगातार जो केसेज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब मौतों का आंकड़ा जो है वो 200 के पार है। ये मौतों का आंकड़ा और भी हो सकता है, क्योंकि इसमें इन लोगों का आंकड़ा है जो अस्पतालों में मरे हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो होम आइसोलेशन में है, घर पर ही ऑक्सीजन ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनकी भी मौत हो रही है, लेकिन वो काउंटेबल नहीं है क्योंकि वो अभी सरकारी कागजों में रजिस्टर्ड नहीं है और यही वजह है कि उनकी काउंट कोरोना से नहीं की जा रही है। दूसरी चीज़ बात करें तो सख्ती लगातार की जा रही है। सख्ती इतनी है
कि जैसे कल की क्या स्थिति थी, यहाँ पे दो दिन से वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है, कल सड़कों पे काफी लोग दिख रहे थे, लेकिन आज आप देख सकती हैं कि यहाँ पर स्थिति इतनी सख्त की गई है कि लोग सड़कों पर कोई नहीं दिख रहा है, किसी तरह के लोग भी यहाँ पर नहीं देख रहे, सिर्फ इसेंशियल सर्विस वाले हैं, लेकिन वो भी इक्का दुक्का देख रहे हैं। मतलब सख्ती और बढ़ाने पर विचार कर रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार। हालांकि देखिए संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर, लेकिन तुषार सरकार पहले कह चुकी है जीवन भी जरूरी है और आजीविका भी जरूरी है। तुषार ये बताइए कि क्योंकि कल हमने देखा वहां पर किस तरीके से तमाम कड़ी पाबंदियां की गई थी, सन्नाटा पसरा हुआ था, लोग मान रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो आंकड़े सामने आ रहे, क्या आपको लगता है कि इसका असर हो रहा है या नहीं? देखिए वीकेंड लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग अभी भी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, लोग बेवजह घर से निकल जा रहे हैं, शादी विवाह फंक्शन में शामिल हो रहे हैं, कल भी काफ़ी ऐसी शादियाँ हुई जहाँ पर लोग सम्मिलित थे और बिना मास्क के लोग थे, भले ही वो परमिशन लेके कर रहे थे, लेकिन लोगों में खुद को जागरूक होने की ज़रूरत है, मास्क पहनने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है, और यही वजह है कि संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो आंकड़े हैं वो हो रहे हैं। एक इसमें राहत की बात जरूर है कि लगभग 60-70% डिस्चार्ज होने के भी जो मरीज हैं वो डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, मतलब वो ठीक होकर बाहर आ रहे हैं, भले ही आंकड़ा 38,000 के पार पहुंच चुका है, लेकिन 60-70% जो मरीज हैं वो अस्पतालों से डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो इसलिए यहां पर अभी जो बात है वो सख्ती की बहुत जरूरी है। कल से वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो रहा है, मंडे से सब कुछ फिर से ओपन होगा, तो निश्चित तौर पे सरकार को और सख्त होने की जरूरत रहेगी, सरकार और सख्ती दिखाएगी, क्योंकि जब सख्ती दिखाएगी तभी संक्रमण का जो चेन है वो टूटेगा। जैसे ऑक्सीजन की जहां रिफिलिंग सेंटर है वहां पे तमाम भीड़ हो रही है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा, अस्पतालों की हमने स्थितियां दिखाई थी, अस्पतालों में जहां पर कोरोना का टेस्ट होता है वहीं पर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। तुषार आप बनी रहिए और इसी तरह से आप नजर अपनी बना के रखिए, आपके पास और अपडेट्स के लिए लौटते रहेंगे। देखिए देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन का संकट जारी है और जारी ऑक्सीजन संकट के बीच अब वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। देखिए वायुसेना के विमान अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन के कंटेनर पहुंचा रहे हैं ताकि सप्लाई के मिशन में तेजी आ सके। कोरोना से जंग में वायुवीरों ने मोर्चा संभाल रखा है। ये तस्वीरें देखिए कैसे वायुसेना के विमानों से ऑक्सीजन का टैंकर उतारा जा रहा है। वाकई कोरोना संकट के बीच ये तस्वीरें सुकून देने वाली है। देखिए जब भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से 4 क्रायोजेनिक टैंक सिंगापुर लेकर पहुंचा। मिशन ऑक्सीजन में जुटी वायुसेना की ये दूसरी तस्वीर देखिए, जब शनिवार को सिंगापुर से C-17 ग्लोब मास्टर ऑक्सीजन कंटेनर्स लेकर पश्चिम बंगाल के पानागढ़ एयरबेस पर वापस आया। ग्लोब मास्टर मालवाहक विमान सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक कंटेनर लेकर आया है। भारतीय वायुसेना का एक विमान टैंकर लाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात भी रवाना किया जाएगा। इसके अलावा जर्मनी से भी 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एयरलिफ्ट किए गए हैं। इसके अलावा वायुसेना पहाड़ी इलाकों में भी कोरोना मरीजों को राहत पहुंचा रहा है। मिशन राहत में वायुसेना के ग्लोब मास्टर के अलावा शिनूक और दूसरे विमानों को लगाया गया है ताकि लोगों की सांसों को संजीवनी दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए जम्मू कश्मीर में पूर्ण कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर में 34 घंटे के कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है। 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सब कुछ बंद रहेगा, यानी कि अगर बहुत जरूरी कोई चीज है तो उसको छूट दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर अब कर्फ्यू रहेगा। जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं उनमें दिख रहा है कि सड़कों पर किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। जाहिर सी बात है ऐसी तस्वीरें सामने आनी चाहिए। अगर कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकना है तो फिर इसकी बेहद ज्यादा जरूरत है। तो ये हम खबर, जरूरी जानकारी आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में पूर्ण कोरोना कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। 34 घंटे के कर्फ्यू का ऐलान जम्मू कश्मीर में कर दिया जा चुका है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू रहेगा। 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सब कुछ वहां पर बंद रहेगा। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन ने शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह
6 बजे तक जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक किस्म का वीकेंड कर्फ्यू कहें तो गलत नहीं होगा। 34 घंटों का ये कर्फ्यू जो है लगातार नाफिज रहेगा। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं ये श्रीनगर का सबसे बिजिएस्ट चौक लाल चौक है। घंटाघर आप देख सकते हैं पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और जगह जगह पर पूरी कश्मीर घाटी क्या जम्मू कश्मीर में ऐसे ही बैरिकेड्स है जहां लोगों को घर से बाहर आने से रोका जा रहा है और जो एसेंशियल सर्विस है केवल उनको ही अनुमति दी जा रही है कि वो ट्रैवल कर सके अगर उन्हें हॉस्पिटल जाना है या फिर कोई एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए बाहर आना है। हालांकि आम लोगों को जो है सख्ती से इस कर्फ्यू का पालन करने को कहा गया है। अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 230 नए मामले जो कोरोना पॉजिटिव है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं। प्रशासन ने कुल 140 कंटेनमेंट जोन जो है वो कश्मीर में डिक्लेयर किए हैं। इसके अलावा 23 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनको कोविड डेडिकेटेड कर दिया गया है। जगह जगह सरकार का दावा है कि ऑक्सीजन जो है सप्लाई है वो पूरी तरह से उनके पास है। जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं अगर हम खासकर कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्टेट हॉस्पिटल या फिर रैनावारी हॉस्पिटल जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनको कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स कर दिया गया है। वहाँ OPDs जो है वो ऑनलाइन कर दी गई हैं और कोशिश है यही है कि ये संक्रमण जो है वो फैलने से इसको रोका जा सके। इसलिए रात्रि का कर्फ्यू जो पहले से ही नाफिज कर दिया गया था यहाँ पर मैं आपको बता दूँ रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू रहता है पूरे जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा तमाम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं यूनिवर्सिटी से लेकर प्राइमरी स्कूल तक उनको जो है 15 मई तक बंद कर दिया गया है। टीचिंग स्टाफ 50% अटेंडेंस कर दी गई है। कुल मिलाकर जहां पर भी भीड़ या लोगों के इकट्ठे होने का खतरा रहता है वहाँ उस जगह को देखा गया है। आउटडोर में केवल 100 व्यक्ति ही जो है किसी भी शादी या फिर अगर हम दूसरी कोई फंक्शन हो उसमें गैदर हो सकते हैं और इंडोर में ये संख्या केवल 50 हो सकती है। सरकार की ये कोशिश है कि जिस तरह से बाहर के राज्यों में हालात बने हैं वो हालात जम्मू कश्मीर में पैदा ना हो, इसलिए जो भी मुमकिन कदम है वो उठाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल के आसनसोल पहुंचा है C-17 विमान। सिंगापुर से ऑक्सीजन कंटेनर लेकर लौटा है विमान। देखिए अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने की कवायद शुरू हो चुकी है और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स भी आगे आई है। और इस वक्त जो अहम जानकारी मिल रही है, बंगाल के आसनसोल C-17 विमान पहुंच चुका है। सिंगापुर से ऑक्सीजन कंटेनर लेकर विमान लौटा है और तस्वीरें भी आपको जी हिंदुस्तान पर दिखा रहे हैं। तो देखिए हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, पल पल की अपडेट आपको देंगे, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है। चल लौट रहे हैं, देखते रहिए जी हिंदुस्तान।